हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोएट किचन। मैं शाहिदा शेख बात कर रही हूँ। इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। बस ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। बस आज कुछ भी कुकिंग ख़त्म कर चुकी हूँ। कुकिंग देखो, आज है ना जुमेरात है, तो सब लोग मैडम लोग सब लोग है ना बाहर पार्टी को जाते, तो कुछ ना कुछ अपने घर से लेके जाते, सास के घर पे, ननों के घर पे। मतलब एक इंसान और एक डिश लेके जाता है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, ये इसको वरा क्या ना बोलते, ये अंगूर के पत्ते में चावल डाल के उसको रोल करके ओवन में पकाते। और इसकी रेसिपी मैंने मेरे यूट्यूब में है, मेरे आईडी में जाके आप लोग देख सकते हो। इसको मैंने ना एक पीस में चार पीस ऐसे छोटे छोटे काट के मैं यहाँ पे डाली हूँ। और फ्रेंड्स, और इसके साथ में हमने आलू भी पकाई थी, और इसको भी आलू को भी मैं छोटे पीस में करके रखी हूँ। अब खाली बस ऊपर से डेकोरेशन करेंगे। और ये बस ऐसी सब चीज़ें हैं ना, जब भी पार्टी चलती है तो ऐसी चीज़ें बनाते। और यहाँ पे माशाल्लाह कोएट में ज़ियाद खाती है अंगूर के पत्ते, अंदर चावल मतलब चावल रख के रोल करके इसको ओवन में पकाते, नींबू का जूस और इसमें इमली का जूस डाल के इसको ओवन में डालते, ऑलिव ऑयल डाल के। और फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे खजूर को भी मैंने कैसे डेकोरेशन मैंने करके रखी हूँ ऐसे। मतलब ये खजूर भी मेरी मैडम बाहर लेके जाने वाली है, और इसके लिए इसको डब्बे में डाले ऐसे रखी हूँ। और साथ में खजूरों के साथ में मैं यहाँ पे अरबी वालों का घवा भी बना रही हूँ। मतलब इसको ये लोग पीने के लिए सेम कॉफ़ी की जैसा रहता है, तो वो चूल्हे पे रखी हूँ। ये देखो फ्रेंड, चूल्हे पे पक रहा है। ये अरबी घवा बोलते हैं, अरबी कॉफ़ी बोलते हैं। तो इसमें शुगर में नमक कुछ भी नहीं होता है। इंशाल्लाह मैं इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो अगले वीडियो में मैं बनाऊँगी कैसे इसको अरबी कहवा बनाते। तो इंशाल्लाह आज मैं बस ऐसे ही सिंपल से वीडियो बना रही हूँ। तो इसकी कुकिंग मैं सुबह में कर ली थी, तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे आईडी में देख सकते हो। और देखो मैंने छोटे पीस करके डाली हूँ। और मैं यहाँ पे इसको हमस बोलते और अरबी में तहीन बोलते, दही से बनाया जाता है। दही को फेंक के इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और नमक, थोड़ा सा लेमन का जूस थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करते। और मैंने यहाँ पे एक अनार छील के रखी हूँ। और रोटी देखो, ऐसी रोटी को मैंने छोटे छोटे पीस करके और इसको फ्राई करी हूँ ऑयल में फ्राई करी हूँ ये रोटी को। अभी इसके ऊपर चलो इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसे करके इसको डाल के सारा हम लोग डाल देंगे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सारा तहीन डाल दियो, तो अरबी में तहीन बोलते। तो इसको मैंने योगर्ट से बनाई थी सॉस डाली हूँ। अभी मैं इसके ऊपर अनार एक छील के रखी थी, अनार डालूंगी, धो के साफ करके रखी थी। तो यहाँ पे ज़ियाद यही खाते हैं अरबी वाले ऐसे सूखी चीज़ें। अब इसके पर फ्राई करे जो रोटी है उसको डालेंगे। तो अरबी में इसको रोटी बोलते, अनार को रुमान बोलते, दही को रोब बोलते, बस अब इसके पर कसदीर उड़ा दूंगी। ऐसे ही ये लोग पार्टी में ऐसे ही ये लोगों के अरबी वालों की मतलब अरबी वालों का फूड ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसे ही खाते हैं। अभी बस इसको प्लेट में रिजर्व करके वो लोग खाएंगे, लेकिन अभी प्लेट में नहीं निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी मैडम है ना बाहर लेके जा रही है। तो आज जुमेरात है, मतलब थर्सडे है, लेकिन यहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को दो दिन यहाँ पे पार्टी रखते,
अपने दोस्तों के मतलब फ्रेंडों के घर पे जाते हैं, तो सास के घर पे, नंदों के घर पे, तो माँ बाप के घर पे ऐसे जाके ये लोग वहाँ पे जाके खाते सब लोग मिलजुल के, भाई बहन, उनके बच्चे, सब लोग, सास ससुर, जो भी नड़न है मतलब जो भी देवर है, ऐसे मिलके ये लोग ऐसा खाते फ्रेंड्स। अभी चलो अपनी कॉफ़ी भी हो चुकी है, तो अपनी कॉफ़ी भी हो चुकी है, अभी मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसका वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी कैसे बना दे अरबी कॉफ़ी। ये देखो फ्रेंड्स, और मैं इसमें डालूँगी मदारे में, अरबी में मदारा बोलते, इंग्लिश में फ्लास बोलते। बिस्मिल्लाह, और इसको ना ऐसे नहीं, ये लोग छोटे फिंजान में रख के मतलब छोटे कोप में ये लोग पीते और साथ में खजूर खाते। और मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दिया, अभी मेरी मैडम कभी बाहर जाने का तो फ़ोन करेगी, बाहर लेके आकर शायद करके अभी मैं जाके गाड़ी में रखूँगी। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ के खजूर कितने प्यारे प्यारे हैं, और ऊपर से है ना गुड़ का शीरा डालते, और ऊपर से सफ़ेद वाली तिल है ना वो डालते। और इंशाल्लाह फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरा वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करना फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, और इसकी रेसिपी भी मैंने मेरे यूट्यूब में डाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, अगले वीडियो में मिलेंगे।